तो नमस्कार, मैं नरेंद्र मुखीज अपने YouTube चैनल पे दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस समय हूं मैं अलवर प्याज मंडी में और जान लेते हैं आज अलवर प्याज मंडी में प्याज की आवक भाव। और दोस्तों मेरे सामने असलू भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। तो आज अलवर मंडी में सबसे पहले तो आवक की तरफ चलते हैं। आवक कितनी है? आवक हमारे यहाँ तीन गाड़ी नई है, तीन गाड़ी पुरानी, छह गाड़ी की आवक है। आज माल की आवक ज्यादा है? हाँ जी, छह गाड़ी आवक है, लेकिन आज माल की बिक्री ठीक है। यहाँ चार गाड़ी माल आज बिक जाएगा, लेकिन माल जो रेट है वो बहुत कम बिक रहा है। तो ये तो एक प्रकार का जैसे बेचना पड़ रहा है, मजबूरी है जैसे। कभी मजबूरी है, यहाँ 18 रुपये हमारा आगे पड़ रहा है, 14-15-16 रुपये माल बिक रहा है। और वैसे अच्छा माल जैसे ये अच्छी क्वालिटी का माल है तो इसका क्या रेट खुला है? वही तो लास्ट 17 रुपये बिक रहा है, 17-18 रुपये बाजार 17 है। तो जैसे बिक्री 14-15 से 17-18 लास्ट बिक्री है, मतलब कभी तो बिक्री प्लस हो रही है, कभी बिल्कुल एकदम जीरो हो जाती है बिक्री। वो क्या है, किसानों का भी क्या है, बार बार ऐसा लगता है प्याज महंगी बिकने के चांस है, तो इसलिए किसान लगाने के चक्कर में। अभी क्या है, जमीन जो खाली हो रही है, धीरे धीरे बाजरे के खेतों में प्याज लगना चालू हो रही है। हाँ। इस वजह से आज बीज की बिक्री आज ऐसा लग रहा है चार गाड़ी का बिक्री हो जाएगी। तो ये बताएं, ये जब प्याज का बीज है, लगभग कुछ किसानों का पूछ रहे हैं कि अक्टूबर में मिलेगा क्या, अक्टूबर में शुरुआत में फर्स्ट वीक में? अक्टूबर क्या है, हम उसे इसमें 9 महीना पूरा रखेंगे, अक्टूबर में तो नहीं बेचेंगे। अक्टूबर में तो नहीं, प्याज आना चालू हो जाएगी। नहीं, पिछली बार तो 10 अक्टूबर तक जैसे थोड़ा प्याज अगर डिमांड आई तो हम अक्टूबर तक। और इस बार कुछ प्याजें लेट भी लग रही हैं, तो हो सकता है अक्टूबर में प्याज की या बीज की। अगर ऐसा हुआ किसानों की डिमांड आई तो हम बीज काफी है आपके वहाँ गुजरात में, तो अक्टूबर में मंगवा लेंगे, किसानों की डिमांड के पीछे। डिमांड के पीछे है। और आपके पास लोकल बीज भी आ रहा है? हाँ, लोकल बीज है ना, थोड़ा सा लोकल बीज भी दिखाएं अपना। दोस्तों इस बार अलवर मंडी में अलवर तलाजा से लेके लोकल बीज की भी डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो असलू भाई साहब पूछ लेते हैं, ये कौन सा बीज है लोकल? ये सर हमारे इसको एलोरा के नाम से जानते हैं, एलोरा चाइना किंग के नाम। तो इसका क्या भाव खुला है? इसका बाजार आज का 26 रुपये का बाजार। तो ये इसमें तेजी हो रही है? हाँ, इसमें लोकल में, लेकिन हमारे यहाँ 2-3% माल बचा है, बाकी माल सारा है हमारे। तो ये लोकल अब तो दो चार दिन और मिलेगा, उसके बाद ये मिलना बंद हो जाएगा। तो ये गुजरात वाला माल हमारे पास 1 महीने में। हाँ, तो इसका भाव 2600 बोला? इसका 2600। ठीक है। एलोरा के अलावा और कोई सा है बीज? एलोरा के अलावा हमारे पास में है ना यहाँ पचगंगा सरदार है। इसका क्या रेट बोला पचगंगा का? ये 2500 रुपये, मतलब 2500-2600 लोकल है, और 14 से 18 या 18 तक 14 से 17 रुपये गुजरात वाला, गुजरात नहीं बिक रहा, 17 रुपये लास्ट बिक रहा है, ज़्यादा करके 15-16 रुपये। ठीक है सर। गुजरात वाला माल की बहुत कम डिमांड है, और क्या मजबूरी में जब भी लोकल नहीं मिल रहा, इस वजह से हमारे गुजरात को भी नहीं। तो लोकल की डिमांड इस बार किस बार ज़्यादा हो रही है, थोड़ा सा बताएं? जो बारिश के कारण जो ये गुजरात वाला बीज है ख़राब हो जाता है, और इसकी पैदावार घट जाती है। जो हमारे लोकल है ये बारिश से ख़राब नहीं होता है, और इसकी पैदावार अच्छी होती है। ठीक है सर, धन्यवाद।